अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी, आज का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज है 25 दिसंबर, और आज जिन जिन की बर्थडे है उनको मैं विश करना चाहूँगी। आज एक सब्सक्राइबर है, उनके बेटे की बर्थडे है, तलहा। हैप्पी बर्थडे तलहा, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आपकी मामा को भी और आपकी पूरी फैमिली को भी। आपके मामा और बाबा का साया हमेशा पर कायम दायम रहे, और आपको अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ ताफ़र में आने वाली ज़िंदगी में, आमीन सुम आमीन। और एक मिशी खान सब्सक्राइबर है, उनकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मिशी खान। आपने कहा था भूल जाओगी, लेकिन मैंने स्टिल याद रखा है कि 25 दिसंबर आज आपकी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मिशी खान, अल्लाह आपका नेक नसीब करे, और अल्लाह पाक आपका नेक नसीब करे, अल्लाह पाक आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ ताफ़र में, और जिन की बर्थडे इन सबको बहुत 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 ढेरों क्या कहते हैं सालगिरह का दिन मुबारक हो। और ये मुबारकबाद इसलिए देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको आने वाली ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी अता फरमाए, और आपकी जो लड़कियाँ हैं और जो लड़की हैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं सबका नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। आप लोग भी अपने माँ बाप का हमेशा क्या कहते हैं अच्छे से ख्याल रखना, और ढेर सारा प्यार मिले अपने मामा बाबा का हमेशा, आमीन सुम आमीन। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ कर लिया है इस अच्छी सी दुआओं के साथ, और कोई रह गया तो उसके लिए मुझे माजत कर दें, क्योंकि मैं ना ठीक है, और मैं भी ब्लैक डॉट की वीडियो बना के फिर हुई थी, तो मैं करके मैं ना इसकी थोड़ी सी स्लैब्स बचाई थी कि मेरे ब्लॉग में क्रमल करती हूँ। इसका पाउडर पड़ा हुआ था वो भी डाल देते हैं बीच में, नाइस पे टेक्सचर भी था। छोटा सा पीस चलो जी, एक और वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा मैं आपको इसकी एक क्विक मिक्सिंग दिखा देती हूँ। एक हाथ से करूँगी, दूसरा हाथ पे ना भर जाएगा दोबारा से। इसकी खुशबू पता कैसी है, ऐसी जैसे कोई स्मोकी और सीमेंट और जो कोयले का एक अरोमा होता है ना, उस तरह की इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि आप लोग बता कहते हो ना कि एक्सप्लेन किया करें खुशबू कैसी है, तो मैं इसलिए याद रखती हूँ तो बताती हूँ कहीं कई कह रही बड़ी कैसी खुशबू है इसकी। इसकी खुशबू है स्मोकी और अर्दी। चलो भाई, ब्लॉग में देखते ना मिक्सिंग कंप्लीट। ये तो मैंने जस्ट अभी जो टेक्सचर क्रम्बल किया था उसके लिए की है। चले मिलते हैं फिर आपसे बाद में। अच्छा जी, मैं वीडियो बनाने लग गई थी उस टाइम, मैंने कहा कि वीडियो बना लेती हूँ, लॉन्ग वीडियो जो है ना वो बना के डेडिकेट कर दूँगी। तो इसकी क्रमलिंग कर देते हैं जल्दी। चलें जी,
अभी टेक्सचर की मैं ना मिक्सिंग करके बैठी हूँ, और ये देखें अभी इसकी शेप्स बनानी है, और यहाँ से सारी जगह साफ की है जहाँ से मैंने टेक्सचर को उठाया। अच्छा भाई, अभी हमने मूडी स्मार्ट को हायर किया है अपने काम के लिए, क्योंकि मैं कहता था कि टेक्सचर को टूटोरियल रेडी कर देते हैं। नीचे गीला पानी डाला था, हाँ तो मैंने इसके वाटर के साथ इन्हें ड्राई किया। नहीं ड्राई ऐसा टेक्सचर होता है, नहीं इतना ज़्यादा सूखा है ये, और वो ड्राई करने होने पेस्ट भी आता है ना, तो उससे भी ऐसे हो जाता टेक्सचर। तो ये देखें हम ठंड में ऊपर बैठकर टेक्सचर रेडी कर रही हैं दोनों, अब स्टाइल ही मारने का टाइम है। देखिए कितनी बदतमीज है, लॉक स्टार्ट होते शुरू हो गई है, कल की बर्फी का तो बदला ले रहा था ना। अरे फ्री तेज है, इसको सारा पता है। मुंह बंद करनी, अब हमारे मुंह से धुएं के गोले निकल रहे, तेरे मुंह पे छोड़ने हैं फिर वो गोले। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा सैंड सीमेंट का टेक्सचर, हम इसकी शेप्स बनाते हैं, और सनोरे मोरे कपड़े गपारे गप शप। मैं इधर कर रही तू भाग रही, चल एक मजबूत बना ले दो। क्या तुमने स्विमिंग करनी है अंदर बैठ के? इसके मतलब एक बराबर होनी चाहिए ना, इसमें कोई मतलब नहीं हो सकता। मैं टब में पानी ले, ऐसे होशियार सुल्तान है हाजिर हो गए। बस लोगों से पूछ, अपने सब्सक्राइबर से पूछते हैं कि सर्दियों में कितने दिनों बाद नहाते हैं ये। मेरे बिना आ जाना फिर तो बात ही खत्म। पहले हम दूसरों से पूछेंगे, फिर हम मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही, मैं लाइव बैठी हुई हूँ, मुझे पूछेंगे बताएंगे तो मैं बताऊँगी। सब्सक्राइबर पे अगर पहले उससे पूछते फिर मैं बताती हूँ पहले, जैसे वो रिप्लाई। अच्छा बताएं गाइस, आप लोग कितने दिनों बाद खाते हैं? मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है और पानी यहाँ का बहुत ठंड है। तो ऐसी लाइव आई हुई है। हाँ कौन चाहता है कि मैं लाइव भी आऊँ, मुझे बताएं। 2K पे लाइव ना हूँ मैं, सोच रही हूँ मेरे कहते रहने दो, अभी इतनी खूबसूरत दशीदा वो दशीदा देख के लव्य होश ना हो जाए। मैं तो पहले आई थी, तो मुझे मजाक कर रही हूँ। तुमने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मैंने। अच्छा बताएं कोई कि कितने दिनों बाद नहाते हैं आप लोग सर्दियों में? गर्मियों में तो डेली, लेकिन सर्दियों में कौन बताएगी? थोड़ी देर कमेंट में बताएगी, अभी बताएगी। मैं तो बताऊंगी ना बाद में, पहले मुझे पूछने दो ना, फिर मैं बताऊंगी। तुम कह चले मुझे अभी बता दे। देखे मेरी बहन तो मेरी ऑनलाइन बेइज्जती कर रही है। अगर तुम्हें जानना है ना तो वेट करो ये वीडियो की अपलोड। अच्छा मैं बताऊंगी कि आप लोग, मैं जैस तरह क्या मेरे अंदर कोई वो जो व्लॉग नहीं देखते असलम खान, जिस तरह हमने आज आपके साथ शेयर किया है। देख देख। नहीं मैं तो नहीं देखती, ये फातिमा जो है ना इतनी है बैठती है व्लॉगिंग की लिस्ट लगा के, फिर जो जहान के अहमद सबा के और रूबी का किचन और पलविशा और पता नहीं कौन कौन से फार्म सिस्टरोलॉजी, बच्ची तो पूरा जो कहती है ना एक कोर्स करके उठती है रोजाना, और फिर अंदर आके मेरा सर खाना शुरू हो जाएगी। तो पता है आज अहमद को झाड़ू पड़े, आज पलविशाह की बेइज्जती हुई, आज उसका ये हुआ, क्योंकि पास कर दे मुझे देखने, मैं खुद ना देख लूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, मुझे ना तय कर भूल ही जाएगी। अरे मैं एक बार बता दे तो मैं बताती हूँ तुम्हें, फिर लॉन्ग लगा के मेरे आगे रख देगी, ये देखो ये सीन बता रही हूँ तुम्हें। इस तरह कौन करता है, कौन सी बहनें जो चिबड़ जाती है चीज़ को बताने के लिए, और जब तक पेट में बड़ोड़ ना कि बंद हो जाए रुकती नहीं है चीज़ मुंह बोलने से। बोला दरअसल पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तब तक सारी बातें तो मैं ना बताऊं। हां तो मैं तुम्हें हाथ से सारा टेक्सचर निकाल लिया। हां हाय नहीं, फिर बाद में नेल्स दर्द हो नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब टाइम नहीं है, जो जल्दी से कर लो। पानी मिलाओ इसमें, हो गया पानी ना मिलाओ इसमें, ये तो मैं कह रही इससे बन जाएगी। नहीं मुझे लग रहा इसमें पानी डलेगा थोड़ा, ये देखो पहले हमने सारा टेक्सचर निकाले फिर आप मिलते हैं। देख लो चले जी, हमने खड्डा खोद दिया, अब इसे पानी मिला रहे हैं। हाँ तैसे हो रही है, दोबारा सीवर में हाथ ही मारना है इसने। अना वो दरअसल मैंने कहा एक दफ़ा सारी में मिलती हूँ। चलो फातिमा शुरू हो जाए, फाशा मुझे भी चौंकी ला दो। अच्छा अब हम साइड से ले लेते हैं। उठ नहीं, किस तरह से रखे थे तू?
काम कर जा के थोड़ा आत्मा तुम कौन सी बासी पौड़ी दिखा रही हो अदर मुझे पत्तों में मुझे पता है तुम्हारी अच्छी होती है मुझे नहीं भाई नहीं गीला टेक्सचर की कौन पोरिंग करता है लेकिन मैं फुस लेके जा मैं गीला और लेकिन ड्राई हूं मुझे मजा आता है ऐसे डाल ले मजा मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा अब चौकी ना तोड़ देना चलो भाई आलम का टेक्सचर बहुत मजेदार हुआ है ये वही टेक्सचर जो हमने मिलके नहीं पीसा था ठंडा ठंडा और इतना सॉफ्ट मामा तुमने वो डायलॉग बोल के रहना बैठा मैं तो बता रही हूँ तुम्हारे बड़ी बेइज्जती कराई थी पिछली बार तुम्हारा पता नहीं क्या डायलॉग के पीछे पड़ी हुई है फिर वो सब्सक्राइबर आ जाएगी तुम्हारी कहेगी फातिमा को पता क्या कहते हैं आपकी शक्ल ना काजल से मिलती ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा ये तो मैं बहुत और अंजलि के स्टाइल देखती ये बस ऐसे बोल रहे थे कोई ऐसा फातिमा जा तुझे किसने लोगों ने कहा मुझे उंगली का निशान दिखा दिया अलम डोंट क्रॉस योर लिमिट अच्छा क्रॉस योर लिमिट हो क्या वो क्रॉस बेहू जासी बाजा के काल रही बैग तुम्हारी तरफ करके हमने अपने व्लॉग ही खराब करा था चलो खराब हो गया चलो भाई हम शेप पे अच्छी तरह से मिक्स हो गई है बहुत तेज रहा धुआं कैसे निकल रहा है अनम सर्दी बहुत है स्नोफॉल होने की बस देर रह गई है फातिमा आज कहती है मैं सॉक्स पहन के आई हूँ और जूता चेंज करके आई हूँ मेरे बाल पाँव की तरफ ही कर दिया तूने वो कहती है पाँव तूने मोबाइल मेरे पाँव की तरफ ही करने अब बार बार मैं धक्के से अपने पाँव उधर लेकर मेरा पाँव दिखा दे तुझे चलो जी फातिमा जो है वो शेप बनाना स्टार्ट हो गई है और मुझे कहाँ भेजना है वो अब बताओ सही हुई है लाइट ये क्या तुम ऊपर से तो शेपे सही में नहीं वो ना नीचे से निकालती हूँ पता क्या है ये नीचे से टूटी हुई है थोड़ी सी तो वो थोड़ा सा बाहर आ जाती है थोड़ा सा बाहर क्या आ जाती है थोड़ा सा टेक्सचर बाहर आ जाता है जान लगा के बना शेपे इधर इधर थोड़ा सा करके दिखाना हाँ इधर है ना अब आगे आ रहा है मेरी नजर नहीं थोड़ा पीछे करनी मेरी नासों में नजर आ देखे भाई फातिमा शेपे निकाली ये निकाल अच्छा तुम इधर क्यों आई हो तुम चेयर पे बैठो अनन ये देखो कितना प्यारा निकला हाँ ये देखो नहीं परफेक्ट निकला फातिमा तुम तो घूंघट में चली जाती है आपको पता नहीं है ये लड़की जो है ना जितनी सवित्री सुकारिक बनती है अरे तुम्हें मैं थप्पड़ मारूंगी तो जो द्वारपी पे जो पार्वती आ गई है नहीं ला माफ करे मेरे अंदर कमोली का आ कह रहा था नहीं वो नहीं आई कह रही नहीं कमोली का आई मेरे को ला माफ करे भाई बहरहाल आशा तुम्हारे पास चेयर नहीं है सोचा कि मैं कुछ और तो कुछ कर नहीं सकी व्लॉग में एक ट्यूटोरियल आपके शेयर इवनिंग तो नहीं है नाइट व्लॉग शूट है व्लॉग शूट है क्या बोल रही थी अनम का ठंड से कहा सर्दी लगी निकली जा रही है मुंह से तो फातिमा ये ना मुझे इस तरह के ना के सिलेंडर चाहिए कि मैं दूसरे से उठा लूं ये ना उनके लाख टूट जाए नहीं आशा इधर आ जाओ ऊपर बैठ जाओ तुम तो ऊपर चढ़ गई उसके वो देख तो सीजर चेयर किधर लेकर आती है आयशा उसके पीछे टैक्सी पड़ा है शेप्स टूटी ना आयशा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अनम फिर तुम्हें तोड़ दे रहा है या सोच लो तुम बात
यार कल पता क्या किया मैंने, मैंने आशा को कहा कि नूडल्स बना के लेकर, नूडल्स बनाने गई है तो मेरी आँख लग गई है, मैं वीडियो एडिट करते करते सो गई हूँ ईशा के, नहीं नहीं हाँ तो ना मैं सो गई हूँ, बाद में मेरी एकदम आशा अंदर आई आशा के हाथ में नूडल्स थे, तो मेरी एकदम आँख खुली, मैं एकदम उठ के ना इसके साथ नूडल्स खाने लग गई, कटी है जा तुम तो सोई हुई थी, तुम एकदम से कैसे उठ गई, मैं कहा बस मुझे भूख लगी हुई थी, मुझे ना खुशबू आ गई थी नूडल्स हाँ, तो मैं फातिमा इसके सारे नूडल्स खा गई, करती पूरी रात इस लड़की ने मुझे इतने ताने दिए नूडल्स के, मैंने कहा बस अब निकालो हो जाए मेरे नूडल्स, मैंने कहा मैं तो मुक्के मारने लगी अपने पेट में, क्यों खा ली मैंने इसके नूडल्स, गर्दन को दबाने लगी थी भाई, गलती कर दी नूडल्स खा के इसके, तो मैंने आखिर कहती है ना बनाएंगे जाके बाद में, खत्म मैंने क्या बोलती मेरे दिमाग कहती वैश्यों की तरह से हम लोग करते शर्म करो कुछ वैश्यों की तरह हमला कर दिया कहती नींद में जिन उठा नूडल खा के शहीर तो तुमने कुछ ज्यादा ही खौफनाक बात करी क्यों करने दिए थे जब हम अपने बना के लाए थे बताओ फिर तब तो तुमने शिफ्ट एक लगा के सेकंड शिफ्ट के लिए फिर तुम तैयार हो गई थी तुमने नजर रखी हुई थी ऊपर अना जब मैं नूडल लेके जा रही थी ना बनाने के लिए पैकेट तो इसके साथ में भी दो पैकेट पड़े हुए थे तो ना बार-बार को उठाई जा रही थी इनको ना और कुछ कहो ये ना मिक्स कर देना बीच में उसके भाई मेरे कल के लिए संभाल के रखी कल आज भाई टेलर की सिमें बंद हो रही है क्या ये बात सच है मुझे तो दुख पड़ गया अनम को कल से ना यकीन नहीं आ रहा कह रहे कि टेलर की सिमें अनम वो कहाँ है क्या ये आग पता है किधर इधर दे मुझे चले भैया आपको भाई हमने ट्यूटोरियल शेयर कर दिया आपसे नाइट शूट का जगह साफ ही है मैंने दो मर्जी हो जाए मैंने अपना काम आगे करना है मुझे तुम लोगों ने किसी और काम पे लगाया ना तो तुम लोगों को अनम अपना पाँव यहीं रखो सुबह के मैं आगे से ले रही हूँ सुबह क्या आगे से बकर तुम वहीं रखती ना फौरन पकड़ा जाएगा सुबह क्या हो गया कोई बात नहीं तुमने ताहे का नाश्ता बना लिया तो भाई नहीं चाय का स्लाइस तुम भी सेक सकती थी भाई मुझे तुम्हारी तरह कभी ना बनाना आता ये बात है काम चोरियाँ बातें करो अपनी बेटा तुम्हें पता है कि मेरा ये टाइम बहुत कीमती होता है लेकिन उसी टाइम अगर मुझे कोई दूसरे का बंदा लगा दे ना मैं कहती सुबह के टाइम 10 तो बजे जो काम करवाना करवा लो लेकिन 2-3 बजे जिस काम कोई मुझे बंदा ना करे मैं बड़ी फिर उस टाइम गुस्से में आ जाती हूँ मुझे पूरा दिन छोड़ के तुम लोगों ने इस टाइम मुझसे कुछ ना कुछ करवाना होता है चांद कितना प्यारा लग रहा फातिमा देख बादल भी नहीं है फातिमा ने इधर ही नहीं पूरे 70 घंटों का ट्यूटोरियल बिल्कुल तेरे अंदर क्या वो पीछे से अल्लाह की डबिंग करने लगी हुई है हमारी बातों में मुझे चैलेंज कर रही है अच्छा दजाबी बात है ये हां क्वाइट तू मुझे चैलेंज कर रही है अब मैं तेरे चैलेंज में आने वाली नहीं
चलो फातिमा नात पढ़ते हैं। ना मेरी इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं है, तुम खुद ही पढ़ो बस। मेरे साथ तुम भी थोड़ी सी ना पढ़ लेना ना। नहीं मुझे चले, हम मैं आपको नात सुनाती हूँ। मुझे सिर्फ दो लाइनें हर नात की आती है, पता नहीं मेरी जहन इतना कूदा मुझे भूल जाती है, क्योंकि तुम हमेशा दो ही आती होती लाइने जहन कूदनी नहीं मुझे पूरी यकीन कर, मैं पूरी अगर सुन के भी बैठूंगी ना तो मुझे हद पहली लाइन या उसके दूसरी लाइन याद होगी, अगली बार अगला सारा भूल जाता है मुझे। कितनी बार भी सुनूँ ना भूल जाता है मुझे, मेरा दिमाग बड़ा इस मामले में डग हो गया। लेकिन जब मैं ड्रामे की स्टोरी सुनना मुझे बुरी याद होती। मैं तो नहीं ड्रामे की स्टोरियाँ सुनाती, कितनी मुझे तो तुमने ड्रामे की स्टोरियाँ सुनाती, जो तुम्हारी पसंद की चीज़ होती है ना वो तुम्हें स्टोरियाँ याद। मैं इन्फॉर्मेटिव बातें हमेशा याद रखती हूँ, और कर दो। मतलब कि मैं स्टोरी ड्रामे की स्टोरियाँ कभी भी नहीं सुनाती ना। मुझे ये पहले इस कॉलम का एक ड्रामा बहुत अच्छा लगता था याद बुरात गाना, उसकी पूरी स्टोरियाँ सुनाती थी। हाँ मेरे कब सुनाई थी तुम्हें स्टोरियाँ, तुम तो मुझे देख रही थी। नहीं जब मैं अभी देखना नहीं शुरू हुई थी, जब तुम ही सिर्फ देखती थी। फातिमा मेरे कोई स्टोरी नहीं, मैं सुनाई मैंने कभी नहीं सुनाई। इसकी मेरी बड़ी लड़ाई होती है, इसका फाते भूल जाती है। नहीं सुनाती भाई, नहीं मैंने नहीं कभी स्टोरियाँ सुनाई है। बस ठीक है ना बाबा, तुम बड़ी झूठ बोल रही हो। बस ठीक है, देखो लोग नजर आ रहे फातिमा वेट। अनम ये नहीं सही बनाई, तोड़ लो। सही है ये देखो, ये देखो। बात बात तुम्हारी बॉर्डर से बाहर निकल गए। चलो भाई करते हैं पहले खुद ही बात हो रही। बात तुम बिल्कुल कैमरे से आउट हो, वो देखो किधर तुम शेपे फील कर रही हो। आउट हो या गेट आउट, इन कैसे हो गया ना मैं ये करना, इधर कर नहीं इधर इधर। चलो मैं नहीं भाई, मेरी बहुत शर्म आ रही है। अनम के सामने बैठे हैं सब, मुझे शमो आ रही है। अनम को जल्दी से बैठे टोरी लाइन करें, फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। ये जस्ट एक रैंडम ट्यूटोरियल था। अच्छा मैं तरफ नहीं देख रही हूँ, तुम सुना दो। नहीं शर्म नहीं, अनम नहीं देख रही चले भाई। फातिमा ने ना काम खत्म करने के बजाय ना बढ़ा दिया। चलो ब्रश से करो, किसने मुझे दिया दांतों में मारने के लिए दिया हो तुम्हें? अच्छा मेरी चौंकी और गिरने लगी थी। चौंकी अपने कपड़े गंदे हो जाते सारे। अच्छा बदतमीजी मत करो, चलो ये सिलेंडर के निकालने के बाद हम लॉक एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला कल। और जिन जिनकी बर्थडे आज उनको फिर से सालगिरह मुबारक हो, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फातिमा, वो उनको आज फिर से एक साल पीछे भेज दी। नहीं तो कितनी गंदी गंदी शेपें बना रही हो साल की रखकर। अन्ना मैं खुद ही काल लेती हूँ, तो बैठ दो। हाय हाय तुम चलो भाई, बहुत हो गया, हमने बहुत बकवास कर लिए इससे पहले कि हमें और एक्टिंग का ताव मिले। लेट्स वाइंड अप दिस व्लॉग। ओके गाइस सी यू टुमॉरो, आई विल सी यू। एक दो बार अब की एक सब्सक्राइबर ने हमको कहा ओवर एक्टिंग मत करे थे, आप मेरे घर आके देखो किसी ओवर एक्टिंग। मैं कभी घर आके देखे, मेरी सारा दिन ओवर एक्टिंग चलती है। अदब तो सुनने भी चली और बात मत करो, भी सीक्रेट बातें बताने की जरूरत नहीं है। ये लड़की बहुत ही रिस्क की, मैंने इसकी जराबों वाला सीन ऑन किया है, तो मेरी भी बातें बताना शुरू हो गई है। चलो हम व्लॉग एंड करते हैं, कब मेरी जगह पहले अरे बढ़ियों की जैसी हंसी आ गई। ये देखे चल फास बंद कर रही मैं व्लॉग, मेरा मेरी स्पेस तो बोल रही है पूरी कर कर। वो तू उठ जा यहां से, मेरा नाम नीचे जा गया है, अपलोड नहीं करेगी, बस जगह ही बनाएगी। बस करो क्या, वो मुझे पीछे से आगे फेंकी छोड़ी। अच्छा मैं
अच्छा बहुत बात तुमसे कर रही है, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह तआला कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको इस नाथ के साथ ब्लॉग एंड करती हूं। ए मुंह बंद करे दोनों, चलिए इस नाथ के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। अब मैं मजाक नहीं रहना मेरा कि तुम किसने बोल दी, आखिर तुम भी चुप करो। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, बहार आप से है। चले भाई, इतनी बात तो आप पड़ी थी, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए कहा क्योंकि आज मेरी मामा की है, पापा की एनिवर्सरी थी, प्यारी नात सुनाई तो मैं, ये एनिवर्सरी थी उनकी, लेकिन पापा की बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है तो बस उनको याद करते हुए मैंने कहा कि थोड़ी सी नात पढ़ लेती हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पापा के लिए और जितने भी दुनिया से लोग जा चुके हैं उन सब के लिए, जिनके वालदैन में से एक भी जिंदा है, उनकी हयात के लिए दुआ करें, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मफरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको आला मुकाम अता फरमाए जन्नत में, और उन्हें जन्नत में इतना अच्छा मुकाम अता फरमाए कि हम सब जब आहरत में, जब दुनिया से रुखसत हो, तो हम भी अपने वालदैन के साथ भी जन्नत में, अल्लाह पाक अपने वालदैन के साथ रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, और बस यही चीज़ सोच के बंदा अच्छे काम करे, अच्छे अमाल करे, क्योंकि अच्छे अमाल करेंगे तो ही हमें ये मुकाम मिलेगा। और अपने वालदैन के जाने के बाद ये मत सोचे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन उनके साले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, और वो नन्हे जो भी नए काम करें उसका जो अजर अपने माँ बाप को पहुँचाए, ताकि आपके माँ बाप को वहाँ पर सुकून हो कि आपकी औलाद दुनिया में अच्छा काम कर रही है, और वो आपको फिर जब आहरत में मिले तो खुशी के साथ मिले, और आपको फ़ख्र के साथ मिले कि हमारी जो औलाद है वो इतना अच्छा काम करके दुनिया से आई है। तो बस अल्लाह से यही दुआ कि अपने माँ बाप के लिए हमेशा अच्छा करते रहें जो दुनिया में मौजूद हैं, और जो दुनिया से जा चुके हैं, ये नहीं कि उनके जाने से सब काम ख़त्म हो गए, बल्कि उनके जाने के बाद उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे नए कमालों की। तो इंशाल्लाह ताला मेरी सबसे दुआ है कि आप सभी अल्लाह पाक से दुआ करें मेरे पापा के लिए, उन सब के लिए जो जो भी दुनिया से जा चुके हैं वालदैन के, तो ताकि अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा मुकाम अता फरमाए, उनको सुकून अता फरमाए, कि जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही ब्लॉग एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़।